टीम इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ विकेट कीपर बैट्समैन को लेके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में टीम इंडिया के पास कोई भी अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। ये जब इंडिया श्रीलंका के लिए ओडीआई और टी20 मैच की सीरीज खेलने गई उसके बाद ये साफ हो गया कि टीम इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ ईशान किशन के कमबैक को लेके, क्योंकि ईशान किशन टीम इंडिया में कमबैक करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में साफ हो गया, क्योंकि हाल ही में जैसा कि श्रीलंका के खिलाफ सबसे पहले संजू सैमसन को 2 मैचों में मौका दिया गया और दोनों मैचों में वो डक पे आउट होकर वापस आ गए तवेलियन। वहीं दूसरी बात करें तो केएल राहुल को भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन का 2 ODI में मौका दिया गया, लेकिन केएल राहुल भी टीम इंडिया के लिए कोई अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आए। तीसरा बड़ा नाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है ऋषभ पंत को लेके, लेकिन ऋषभ पंत को टी20 में भी एक मौका दिया गया और ODI में भी एक मौका दिया गया, लेकिन ऋषभ पंत का भी बैक टू बैक फेलियर देखने मिला और ऋषभ पंत टीम इंडिया में कोई भी अपना अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया का विकेट कीपर बैट्समैन कौन होने वाला है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा ईशान किशन का, लेकिन ईशान किशन के सबसे पहले ODI करियर पे एक नज़र डाले तो ईशान किशन ने ODI में 27 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 933 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 42.4 का एवरेज है और साथ ही स्ट्राइक रेट की बात करें तो 102 का स्ट्राइक रेट है, यानी ODI में ईशान किशन का अब तक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पॉसिबल है कि आने वाले समय में आपको इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर कमबैक करने वाले हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया का विकेट कीपर किसे होना चाहिए, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।